गुड मॉर्निंग बसिन साहब, स्वागत है आपका। एक दिन की छुट्टी के बाद बाजार खुले लेकिन मूड माहौल सुस्ती वाला है। कब से एक्शन लौटने की उम्मीद की जाए सर, और क्या है डायरेक्शन? गुड मॉर्निंग अनिल जी। तो देखिए, तीन चीजें देखिए। एक तो यूएस ने जो पेसिमिज्म करनी थी वो कर ली है। अगर फेड की तरफ से जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है वही आ जाए, मुझे तो एक ऐसी गजब की रैली दिख रही है, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड है और फंडामेंटल्स बढ़िया है। आप इंडियन मार्केट के रिजल्ट देखिए। अब हर चीज में मैं तुलना यूएस के साथ नहीं कर सकता, वहां पे दो तीन दिन से लास्ट वीक अच्छी बड़ी फॉल्स आई, बट वी हैव स्टिल हेल्ड 17,000, तो दैट्स अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। दूसरी बात, आप रिजल्ट देखिए, चाहे कमोडिटीज के हों, चाहे अब आपको रिजल्ट दिख रहे हैं तो क्या आईटी के मिड कैप के आउट परफॉर्मेंस नहीं दिख रहा? और मैं आपको यह भी बताऊं, एज ए डिस्क्लोजर, मैंने परसिस्टेंट और एम्फोसिस की कॉन्फ्रेंस कॉल अटेंड की, दे आर एक्सट्रीमली बुलिश। मिड कैप आईटी इज हियर टू स्टे। तो मुझे कोई दो राय नहीं, आज नहीं तो आज दोपहर को, नहीं तो कल से फिर आपको गैप दिखेगा और मुझे अपसाइड का पोटेंशियल दिखता है बहुत अच्छा। अब ये नहीं कि मैं पहले से ही तेजी में हूं, मैं अभी भी कंफर्म करता हूं कि दिस इज नाउ अ मार्केट यू हैव टू बाय, इंडिया इज गोइंग टू आउट परफॉर्म। ये मेरी टिप्पणी है। आपके लिए दो कॉल्स हैं और कैश के भी हैं, आपको कहें तो मैं अपडेट कर दूं। बिल्कुल ठीक बात है, तो पहले तो अपडेट दे दें सर, उसके बाद फ्रेश कॉल्स भी। अनिल जी, स्टार राय, तीन दो महीने हुए, ₹60 पे आपको NLC नई वेली लिग्नाइट लगा था, ₹90 का टारगेट, आज 9240 बिका है, 50% इन 2 मंथ्स और आपके सामने है। अब आप कमोडिटीज में बुक कीजिए। मैंने परसिस्टेंट और एम्फोसिस कई दिनों से कह रहा हूं, मैं अभी भी रिएट्रेट करता हूं, परसिस्टेंट इज हेडेड टू 5500 एंड एम्फोसिस टू 4000। उसके अलावा यू आर गेटिंग HCL टेक एंड टेक महिंद्रा एट जस्ट 12 टाइम वन ईयर फॉरवर्ड। You cannot go wrong in IT. लेकिन आज की दो तो persistent and emphasis are my stocks to buy if you have booked profit in Nayi Valley Lignite. मेरे दो picks हैं जो परसों भी थे। I think the numbers of Tata Steel were very very good और उससे भी strong number sale के आएंगे। मुझे sale में risk reward 97 पे बहुत favorable है, 93 का stop loss, 108 का target. सेल में आपको ये भी बताऊं, इस क्वार्टर में एबिटा पर टन हाईएस्ट एवर आएगा, जो सेल जो टाटा स्टील ने दिया उससे भी बढ़िया आपको उनके कंपैरिजन में एबिटा पर टन आएगा। और दूसरा पिक 13 तारीख को रिजल्ट है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के। अनिल जी, जो बेस्ट एवर इसके हिस्ट्री में रिजल्ट है वो आने वाले हैं, तो डोंट इग्नोर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इट विल बी अ जायंट इन द मेकिंग। 1580 में लीजिए स्टॉप लॉस ऑफ 1530, 1730 से 1750 का टारगेट। ओके, तो ये दोनों ही स्टॉक जो सोमवार को भी पसंद है बसिन साहब को, आज फिर से पसंद है। सेल 93 के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कीजिए, टारगेट 108 का होगा। HAL यहां पर खरीदारी कीजिए 1530 के स्टॉप लॉस के साथ, 1730 1750 के टारगेट के लिए। धन्यवाद बसिन साहब, मुलाकात करेंगे आपसे फिर दोपहर में 1:30 बजे भी और साथ ही साथ 2:45 बजे भी। बाजार एकदम स्टेबल है,